नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आज हम भैया कुछ इस वीडियो में नया दिखाने वाले हैं। भैया कुछ ऐसा बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, बॉक्स तो होता ही नहीं है, विदाउट बॉक्स का होता है, लेकिन भैया काफी ज्यादा यूजफुल होता है गर्मियों में। जो भैया एक तरीके से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं और एक तरीके से स्टूडेंट लोग होते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और भैया आपके पानी को एक तरीके से थर्मस जैसा रखने में, यानी आपका पानी अगर ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा, अगर आपका पानी थोड़ा सा भैया गुनगुना है तो उसको वो नॉर्मल पानी में बदल देता है, यानी शीतल जल में बदल देता है, आप उसे आसानी से पी सकेंगे। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि आपके सामने भैया प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप हर जगह तो मतलब अपनी फ्रिज को तो लेके नहीं आ सकते, लेकिन ये छोटी मोटी फ्रिज जो कि आपका भैया बिजली का बिल जीरो लेती है और आपके पैसे कुछ खर्च करते हैं, कुछ 100-200 रुपए खर्च होते हैं, तो हमारे पास आ चुका है ये भाई साहब, ये है कुछ ये है, इसका नाम है मटका, मटका इसे कहते हैं मटका। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसकी डिजाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, कितने का पड़ेगा और भैया आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेकी पैन इंडिया। तो अगर हम बात करें भैया इसके डिजाइन की, तो कुछ इस तरीके की इसमें डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, काफी बेहतर होता है। और डिजाइन तो हर जगह अलग अलग होती है, आप लखनऊ में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग तरीके की दिखेगी, आप दिल्ली में रहेंगे तो वहाँ कुछ अलग तरीके की मिलेगी। इसके ऊपर आपको ढकने के लिए मिलेगा ये कुछ इस तरह का, मतलब ये कुछ इसको कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये ढकने को होगा ताकि आपके वाटर जो हुए पानी हुआ उसमें कुछ अलग से कोई मिट्टी उट्टी ना गिर जाए वाकई में। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भैया अगर आप इसको छोड़ देते हैं किसी इतनी ऊंचाई से तो गया, कोई मजबूत नहीं होता है, लेकिन मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि आप पानी उनी रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि फूटने वाला नहीं है। और साथ में ही एक नई चीज़ में भैया है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में एक टंकी, ये है टंकी, तो इसके जरिए आप पानी निकाल सकते हैं, यानी आपको बार बार डुबोना नहीं पड़ेगा, ये एक बेहतर होता है। और आपका पानी, मैं बता रहा हूँ, आपका पानी काफ़ी बेहतर टेम्परेचर में पहुँच जाता है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाता है जिससे कि आप उसे आसानी से पी सके। आप एक फ्रिज में पानी की बोतल रखते हो, इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि आप जब पीते हैं तो एक तरह से दांतों में वो पानी लगने लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा ठंडा करता है कि आपका शीतल जल हो जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से भैया अगर आप 2-3 गिलास पीते हैं ना तो धड़ाधड़ आप 4-5 गिलास उड़ा देंगे पानी, काफ़ी बेहतरीन पानी। और पहले तो पानी की एक ये खुशबू, एक अजीब ही मंद खुशबू आती है पानी में, वो बहुत ही बेहतरीन पानी हो जाता है। तो इसका भैया हम यूज़ करते हैं, काफ़ी बेहतर है, हम भी एक स्टूडेंट हैं तो हम भी इसका कभी कभी यूज़ करते हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं इसके वेरियंट की, आपको कितने कितने प्राइस रेंज में और कितने वेरियंट में देखने को मिलेगा। तो इसका स्टोरेज जो है, मतलब पानी का स्टोरेज जो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, कुछ हमारे पास जो है उसमें आप 10 लीटर तक रख सकते हैं, और जिसका प्राइस कुछ है 140 रुपये। तो अगर आप 5 लीटर वाला लेंगे तो जाहिर सी बात है 60-70 रुपये का मिल जाएगा, तो उसी प्राइस के रेंज में आते हैं। तो आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में ले सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं दिल्ली में भी मिल जाते हैं। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इससे अभी आपको भी फायदा होता है, क्योंकि आप अगर कहीं फ्रिज नहीं ले जा सकते हैं तो गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। दूसरी बात, तो आप जिसके वहाँ से खरीद लाएंगे यानी कुम्हार को फायदा होता है, क्योंकि भैया कुम्हार के मिट्टी के बर्तन इस वैसे भी नहीं लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनके भी एक तरीके से कारोबार ठप हो रहे हैं, तो उनको भी फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर कई लोगों को फायदा होता है। और पानी की इसके में जो पानी की जो सुगंध आती है, एक तरह से महक जो खुशबू आती है पानी इसमें डालने के बाद आप पियेंगे, काफ़ी बेहतर लगता है पानी, एक तरीके से थोड़ा बहुत प्यूरीफायर भी हो जाता है, इतना ज़्यादा बेहतरीन पानी हो जाता है। और क्या क्या फ़ायदे बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप ये यूज़ करते हैं इसे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप यूज़ करने वाले हैं तब भी बताइएगा। और आप इस मटके के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है ये कुछ बीमारियों से भी बचाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चलो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी भी और मोबाइल के रिव्यू और अनबॉक्स की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।